रीवा वन विभाग की टीम ने पशु पक्षी बेचने वाली की दुकान पर मारा छापा। रीवा बिछिया पुल के पास कई दिनों से बेचे जा रहे थे पशु पक्षी। वन विभाग टीम ने दुकान से कई पशु पक्षियों को जब्त किया। कई दिनों से दी जा रही थी भी सूचना, फिलहाल कार्रवाई जारी। हनुमाना मऊगंज रीवा की वन विभाग टीम ने मारा छापा। रीवा बिछिया पुल के पास कई दिनों से बेचे जा रहे थे पशु पक्षी। वन विभाग की टीम ने दुकान से कई पशु पक्षियों को जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग टीम ने कार्रवाई की। नेबला व मोर जैसे पशु पक्षी की जा रही थी बिक्री। कई दिनों से वन विभाग को दी जा रही थी सूचना, फिलहाल कार्रवाई अभी भी जारी। वन विभाग की टीम ने पक्षी बेचने वाले के ठिकाने पर मारा छापा। कई प्रतिबंधित पक्षी हुए बरामद। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी। वन विभाग की टीम जब बिछिया पुल के उस पार पक्षी बेचने वाले की दुकान पर पहुंची, दुकानदार तुरंत ही मौके से फरार हो गया। वहां उसकी पत्नी मिली, साथ ही उसके पास पक्षी बेचने के कोई कागजात भी नहीं पाए गए। वन विभाग की तलाशी में वन विभाग को वहां पर कई प्रतिबंधित पक्षी जैसे बाज, नेवला और तोते मिले हैं, जिन्हें वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। फिलहाल तलाशी का काम जोरों से चल रहा है। हमारी टीम ने वन विभाग के अमले से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। इसमें हमें गुप्तचर से सूचना मिली थी कि इस दुकान में संबंधित व्यक्ति द्वारा वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड किया जा रहा है और यहाँ पे नेवला या मोर को पिंजड़े पे रख के ऐसे उनका व्यापार किया जा रहा है। तो उस गुप्तचर की सूचना के आधार पर वरिष्ठ के निर्देश पर हमने यहाँ पर कार्यवाही करी और कार्यवाही के दौरान यहाँ पे हमने जब्ती की कार्यवाही करी, जिसमें हमें एक नेवला यहाँ पे पिंजड़े में मिला है। बाकी जानवरों की भी अभी हम तलाशी कर रहे हैं और जितने भी जानवर उसमें बाद में अगर तलाशी के दौरान पाए जाते हैं उसकी सूचना आपको फिर प्रत्यक्ष से दे दी जाएगी। संबंधित तोते वगैरह भी यहाँ मिले हैं, उनकी भी अभी हम कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही पूरी होने के बाद हम पूरी जानकारी। पहले 3-4 बार कार्रवाई हो चुकी है और ये लगातार 5वीं कार्रवाई है, बावजूद इसके नहीं रुक रहा ये काम, तो आखिर क्या? नहीं, इस बार हम बिल्कुल कड़ी कार्यवाही करेंगे और जो भी इसमें दोषी हैं संबंधित व्यक्ति उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे।